मामला लेकर पहुंचा है, तो अब तक पुलिस की ओर से उनको संरक्षण क्यों नहीं दिया गया, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है। बदमाश ने ना सिर्फ जज पर अटैक किया बल्कि दंपत्ति के साथ बदसलूकी की, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। हालांकि इस घटना में कुछ भी हो सकता था और जिस तरह से बदमाशों ने हमला किया, 10 दिन में जज पर हमले की ये दूसरी घटना है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट रूम में जज पर जूता फेंकने की घटना सामने आई थी। जब तारीख पर तारीख जज की ओर से आरोपी को दी जा रही थी तो गुस्से में आकर आरोपी ने जज पर जूता फेंककर मारा, इस तरह से हमला किया। भरी अदालत में ये बदसलूकी आरोपी की ओर से की गई, यह अटैक आरोपी की ओर से किया गया। हालांकि इस घटना के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी और अब ये देखिए, दिन दहाड़े न्यायिक अधिकारी पर जब हमला होता है तो किस तरह से भीलवाड़ा की पुलिस जो है वो सोई रहती है, कोई एक्शन इसमें नहीं लिया जाता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की भीलवाड़ा से बता रहे हैं और बेहद अहम ये खबर है क्योंकि सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर खड़ा होता है कि जब न्यायिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन किस तरह से आम जनता की सुरक्षा कर पाएगा। बदमाश ने दंपत्ति के साथ बदसलूकी की है, जब एक न्यायिक अधिकारी के साथ बदसलूकी हो सकती है, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी हो सकती है, तो आम नागरिक किस तरह भीलवाड़ा में सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और अगर प्रशासन वाकई लोगों की सुरक्षा में कुछ कर रहा है तो अब तक दंपत्ति के साथ जो बदसलूकी हुई, जज के साथ जो जज पर अटैक हुआ, उस मामले में प्रशासन की ओर से अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एक न्यायिक अधिकारी जिसके साथ बदसलूकी भी होती है, अटैक भी होता है, दिन दहाड़े गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी हुई देखती रहती है, मामले की पूरी जानकारी होने के बाद भी इसमें अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं बेहद शर्म की बात ये भीलवाड़ा प्रशासन के लिए है, भीलवाड़ा पुलिस के लिए है कि अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ, न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल साबित नजर आ रही है भीलवाड़ा की पुलिस। आखिर कब तक भीलवाड़ा पुलिस की नींद टूटेगी, ये भी एक सवाल यहाँ पर बना हुआ है। कुछ दिन पहले जज पर जूता फेंकने की घटना यहाँ पर सामने आई थी, अब दिन दहाड़े जज पर हमले भी हो रहे हैं, तो एक न्यायिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है और वो भी दिन दहाड़े।